महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी यूजीसी डीएसएसबी टेट सीटेट एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के संस्कृत विषय की ऑनलाइन निःशुल्क क्लास हेतु यूट्यूब में महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। महादेव संस्कृतम तेलियागंज प्रयागराज ऑफलाइन क्लास हेतु महादेव संस्कृतम। महादेवाय नमः। मैं महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अनुज कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। हम लोग महाकवि भारवी कृत के आतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने दो श्लोक पढ़ लिए हैं, आज तीसरे श्लोक की बारी है। भारवी ने प्रथम सर्ग के एक से लेकर 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया, इसलिए वंशस्थ छंद का लक्षण पढ़ने के साथ फिर श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो आइए लक्षण पढ़ते हैं वंशस्थ छंद का। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ 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 द्वेषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञां अधिगम्य भूरता सशौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच मददे द्वेषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञां अधिगम्य भूरता सशौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच मददे तेषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूव्रता सशौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच मददे। त्यहाँ कर्ता शापद है वनिचर, जो प्रथम व्यक्ति एक वचन में है, जिसका प्रयोग उन्होंने तीसरी लाइन में किया, और आददे पद क्रिया है, लिट लगाए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है जिसका प्रयोग उन्होंने चौथी लाइन में किया, और बाकी कर्म वाचम शब्द है, वाणी को है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में वाणी शब्द प्रयोग किया जो कर्म है। तो इस प्रकार पूरा वाक्य बना सह वाचम आदते, वह वाणी को बोला। अब इसी में कुछ वाणी की विशेषता होगी और कुछ लाइनों में कि उन्होंने वह वाणी क्यों बोली और कैसे बोली, तो उसी क्रम में हम लोग चलते हैं। तो आप देखते हैं तीसरी लाइन पकड़ें, सह आददे चौथी लाइन सह कर्ता पद और आददे चौथी लाइन लास्ट पद आददे क्रिया लिट लकार प्रथम पुरुष ए वचन वह बोला। तो बोले क्या बोला, तो बोले वाचम, चौथी लाइन के दूसरा पद है, लास्ट से दूसरा पद है कर्म है, सह वाचम आददे, सह पद यहाँ वनेचर के लिए आया है, सह वाचम आददे वह वनेचर वाणी को बोला। वो वाणी कैसे है, उसकी क्या खासियत है, तो भारवी ने उसकी तीन विशेषताएं बताई। तो पहला वाचन करके चलते हैं तीसरी चौथी लाइन को, सषष्ठ बहुदारे विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाच मददे। तो वाचम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो जहाँ जहाँ द्वितीय विभक्ति होगी वो वाणी के विशेषण होगा। तो पहला उन्होंने कहा विनिश्चितार्थम वाचम आदते, सह विनिश्चितार्थम वाचम आदते, वह निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। और कैसी वाणी है, बोले सौष्ठ व उदार विशेष तालीम। इसको पढ़ने के पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो दुष्याम पद शत्रुओं का अर्थ है षष्ठी बहुवचन, विधाता है विनाश के लिए चतुर्थी एक वचन, विधातुम प्रयत्न करने के लिए तुमन प्रत्यान शब्द है, इच्छता इच्छा करने वाले, बुर्वता राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम पाकर सावनेचरा रहस्य एकांत में सौष्ठ उदारी विशेष तालीम शब्द सामर्थ्य और अर्थ गौरव की वैशिष्ट समलंकृत वाचमवाणी को आदते बोला। अब आइए देखते हैं पढ़ के एक बार फिर से, दुष्याम विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम भूरता सशौष्ठ बहुदारे विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाच मददे विनिश्चितार्थामिति वाच मददे। तो पहला तृतीय पद से लिंग करता, सह वनेचरा आददे, वह वनेचर बोला। चतुर्थी लाइन चौथी लाइन में लास्ट पद,
तो वह क्या बोला, तो बोले वाचम आददे, सह वाचम आददे, वहाँ वाणी को बोला। यहाँ कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गया। अब जहाँ जहाँ वाचम में, चूंकि कर्म में द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो जहाँ जहाँ भी द्वितीय व्यक्ति होगी वो वाचम का विशेषण होगा। तो पहला देखिए विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली वाचम आददे, सह विनिश्चितार्थम वाचम आददे, वह निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला, वह निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। और कैसी वाणी है, वो वाणी की और क्या खासियत है, तो बोले विशेषशालिनी, विशेषशालिनी, विशेष विशेष रूप से विनिश्चित अर्थ वाली है। वो जो वाणी है वो विशिष्टता, विशिष्टता से सुशोभित है, विशेषशालिनी, विशिष्टता से सुशोभित निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। और वाणी कैसी है, तो बोले सौष्ठवउदारी, सौष्ठवउदारी, बोले अर्थ संपत्ति अर्थात शब्द सौंदर्य एवं अर्थ संपत्ति से युक्त, विशिष्टता से सुशोभित, विशेषशालिनी, विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली, इति ऐसी वाणी को, इति ऐसी वाचम में इस वाणी को आददे मिस बोला। अब पूरा लाइन आपके सामने है, वहाँ वहाँ विशिष्ट, वहाँ सौष्ठवउदारी, वह शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति से विशेषशालिन, विशिष्टता से सुशोभित, विनिश्चितार्थम, निश्चित अर्थ वाली, इति ऐसी वाणी को वाचम आददे, ऐसी वाणी को बोला। सौष्ठवउदारी विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आददे, वह शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति से विशिष्टता से सुशोभित निश्चित अर्थ वाली वाणी को, निश्चित अर्थ वाली इस प्रकार वाणी को बोला। चौथी से चौथी लाइन आप तक फिर से एक बार देख लें। सौष्ठवउदारी विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आददे, वहाँ वहाँ शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से युक्त निश्चित अर्थ वाली ऐसी वाणी को बोला, वह वनेचर। अब वह किसके लिए वाणी को बोला और किससे वाणी बोला और कहाँ पे बोला, तो ऊपर दो लाइनों में बताते हैं। कहते हैं दुष्याम विधाता विधातुम इच्छतो रहस्यनो ज्ञानम अधिगम भूरता, बोले कहाँ पर बोला, कहीं आप पूछ न लो कहाँ पर वाणी बोला, तो बोला रहस्य एकांत में बोला, रहस्य एकांत में बोला, एकांत में बोलते हैं। अब किसके किससे बोलते हैं, बोले भूभ्रता राजा से बोलते हैं, भूभ्रता रहस्य, भूभ्रता भूभ्रता रहस्य, राजा से एकांत में बोलते हैं, राजा से एकांत में वो वाणी को बोलते हैं। कब बोलते हैं, तो कहते हैं कि अनुज्ञाम अधिगम, अनुज्ञाम अधिगम, राजा से आज्ञा प्राप्त करके एकांत में वह वनेचर निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। वो राजा कैसे, उसकी राजा की क्या खासियत है, तो बोले दुषाम विधाताय विधातुम इच्छता, दुषाम शत्रुओं के, विधाताय विनाश के लिए, विधातुम इच्छता कार्य करने की इच्छा रखने वाले ऐसे भूभ्रता, ऐसे युधिष्ठिर राजा से आज्ञा प्राप्त करके एकांत में वह वनेचर शब्द सौष्ठव से युक्त विशिष्ट अर्थ वाली वाणी को बोला। अब पूरा आपके सामने है, ऊपर दो लाइनों में वो बता रहे हैं कि किससे बोला, कहाँ पर बोला और उस जिससे, जिस राजा से बोला उसकी क्या खासियत थी। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, दुष्याम विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभ्रता, तो कहते हैं रहस्य एकांत में अनुज्ञाम अधिगम, भूभ्रता अनुज्ञाम अधिगम, राजा से आज्ञा प्राप्त करके एकांत में वह वनेचर निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। और वो राजा कैसे हैं, तो बोले दुषाम विधाता है, शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की, विधातुम कार्य करने की अथवा मंत्रा करने की इच्छता, इच्छा रखने वाले ऐसे राजा से आज्ञा प्राप्त करके एकांत में वह वनेचर, एकांत में वह वनेचर शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित निश्चित अर्थ वाली ऐसी वाणी को बोला। एक बार फिर पढ़ के दोबारा चलते हैं, दुष्याम विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनो ज्ञानम अधिगम्य भूर्वता सौष्ठवउदारी विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आददे, अर्थ देख लें एक बार,
शत्रुओं के विनाश के लिए प्रत्नाभिलाषी राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त कर वह वनेचर एकांत में शब्द सौंदर्य और अर्थ गौरव की वैशिष्टता से समलंकृत एवं विशेष रूप से निर्णित तात्पर्य वाली वाणी को बोला। देख लें वही कुल मिला के पूरा वही अर्थ है कि शत्रुओं के विनाश के लिए वह वनेचर वाणी बोलता है। अब देख लेते हैं इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसमें विभक्तियाँ कौन सी हैं और प्रश्न ग्रंथ उसको देख लें। तो आपसे पूछेगा तीसरी लाइन में सह पद किसके लिए आया, तो सह पद वनेचर के लिए आया है, वनेचर की विशेषता है। यहाँ पर कर्ता कौन है, तो सह पद कर्ता है। क्रिया कौन है, आद्य पद क्रिया है जो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और कर्म क्या है, तो वाचम है। विनिश्चितार्थम मिति कह, तो वाचम। विनिश्चित अर्थ वाली वाणी क्या है, वाचम है, वाणी है। सौष्ठ उदार विशेष शालिनी कह, वाचम। सब द्वितीय व्यक्ति एक वचन हैं, जहाँ जहाँ द्वितीय व्यक्ति एक वचन लगेगी वो सारी वाणी की विशेषताएं होंगी। और आइए पहले व्याकरण टिप्पणी देख लें, फिर और प्रश्न बनने वाले देखें। तो संस्कृत व्याख्या पहले देखेंगे। तो द्विषाम शत्रुणाम विधाताय विनाशाय विधातुम व्यापार कर्तुम इच्छता अभिलाषता भूव्रताम ही पालस्य युधिष्ठिरस्य अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य प्राप्य सह वनेचरः सौष्ठ उदार विशेषशालिनी शब्द सामर्थ्य गौरव वैशिष्ट समलंकृता विनिश्चितार्थाम विशेष रूपेण निर्णतात्पर्युक्ता वाचम वाणी आददे अवोच बोला। आइए एक बार फिर पढ़ के इसके पर बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो बोले दुष्याम विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनोज्ञाम अधिगम्य भूरताय सौष्ठ बहुदार विशेष शालिनी विनिश्चितार्था मितिवाच मददे। तो आपसे पूछ लेगा दुषाम पद से यहाँ किसी को संकेत हो रहा है, तो दुषाम पद शत्रुओं के विनाश से छूट, तो यहाँ शत्रु कौन है राजा युधिष्ठिर का, तो दुर्योधन है, जिसका ग्रंथ में भावी ने सुयोधन नाम दिया। विधाता पद में कौन सी व्यक्ति है, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। आइए पहले व्याकरण देख लेते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न देखेंगे। तो पूर्वम विभर्ति इति भूभृतस्य भूभृता, यहाँ उपपद समास है। सौष्ठवस्य औदार्यस्य इति सौष्ठ औदार्य द्वंद्व समास। तयो विशेषा इति वैश सौष्ठ औदार्य विशेषा षष्ठी तत्पुरुष समास। तेन शालते इति सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनीम ताम सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनीम उपपद तत्पुरुष समास। विशेषेण निश्चिता दुष्याम पद में दुष धातु से कोई प्रत्यय लगा, यहाँ अधिगम कृत्वालेप है, आद्य आंग दाली लगा प्रथम पुरुष वचन, छंद वंशस्थ है और अत्यानुप्रास यहाँ पर अलंकार है, और अत्यानुप्रास यहाँ पर अलंकार है। यदि और हम देखें तो यहाँ पर विधातुम विधातुमन प्रत्यय है। इच्छता में इस धातु से सत्र प्रत्यय लगा और भूभ्रता में भू क्रिय कोई प्रत्यय लगा। आज चलते हैं प्रश्न पढ़ के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पूछेगा दुष्याम पद किसके लिए आया है, तो सुयोधन के लिए आया है जो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। विधाता पद में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है जो भूव्रता का विशेषण है। विधातुम इच्छता कहाँ, तो बोले भूव्रता युधिष्ठिरा। रहस्य पद का क्या अर्थ है, तो रहस्य पद में यहाँ पे एकांत अर्थ है, यहाँ सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। अनुज्ञाम पद में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है आज्ञा को प्राप्त करके। अधिगम में लप प्रत्यांग शब्द है, अधिगम धातु से लप प्रत्यय लगा। भूव्रता यहाँ युधिष्ठिर के लिए आया है और शाह पद वनेचर के लिए आया है जो तद शब्द का पुल्लिंग में शाह तौते प्रथमा व्यक्ति एक वचन में शाह बनता है, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। और सौष्ठ उदार विशेष शालिनी ये वाचम वाणी का विशेषण है। विनिश्चितार्थम मिति ये भी वाणी का विशेषण है। और इति पद अव्यय पद है, आदि क्रिया है। आंग उपर धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक बार पढ़ के फिर आपसे पूछेगा दुषाम विधाताय विधातुम इच्छता कहाँ, तो युधिष्ठिरा या भूव्रता। अनुज्ञाम अधिगम रहसी कहाँ आददे, तो वनेचर आददे। वाचम कहाँ, तो वाचम सौष्ठ उदार विशेष तालिनी विनिश्चितार्था मिति वाचम। इस प्रकार पूरा प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ के फिर से देख अर्थ देख लेते हैं। तेषां विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूरताय सौष्ठ बहुदार विशेष शालिनी
विनिश्चितार्थमितिवाच मददे सवशोष्टभौदारे विशेष शालिनीं विनिश्चितार्थमितिवाच मददे। सा वह वह वनेचर वाह वनेचर शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति से की विशिष्टता से युग सुशोभित निश्चित अर्थ वाली ऐसी वाणी को बोला और जो एकांत में बोलता रहस्य एकांत में दुष्याम विधाता शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने की इच्छा करने वाले अथवा मंत्रण करने वाले राजा युधिष्ठिर से अनुज्ञाम अधिकम आज्ञा को प्राप्त करके एकांत में वाह वनेचर शब्द सौंदर्य और अर्थ संपत्ति की विशिष्टता से सुशोभित और सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। इसका पूरा अर्थ आपके सामने है। तो शाम विधाता विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूव्रता सशष्ट बहुदारे विशेष शालिनीम विनिश्चितार्था मितिवाच मददे जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ तुषां विधाताय विधातुम इच्छतो रहस्यनुज्ञाम अधिगम भूव्रता सशष्ट बहुदारे विशेष शालिनीं विनिश्चितार्थमितिवाच मददे। लास्ट में क्या देना चाहते हैं आपसे, यदि आपने श्लोक में कर्ता कर्म क्रिया को पहचान लिया तो कुछ कर्ता की विशेषताएं होंगी, कुछ कर्म की, कुछ क्रिया की। इस प्रकार पूरा श्लोक आपके सामने होता है। इस श्लोक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रथम सर के चौथे श्लोक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए महादेवाय नमः। नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। शुभ संध्या। अगले श्लोक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। महादेवाय नमः। धन्यवाद। सुप्रभातम।